बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोफ्ता करी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है और बनाने में इतनी आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसमें लगने वाले सारे इन्ग्रीडियंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज लेंगे। प्याज को हमें पीस लेना है, बिना पानी डाले ही पीस लेना है। प्याज का एक अपना भी पानी होता है। पीसने के बाद प्याज पानी छोड़ेगा तो उस पानी को हमें निचोड़ लेना है। तो ये देखिए कीमा लेना है, जो कि मैंने मशीन से ही बनवा कर लाई थी और वहीं पर धो के इसको घर में आने के बाद ज़्यादा धोना नहीं है, नहीं तो ये पूरे खुल जाते हैं, उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा सा कीमे में हमें फैट भी लेना है। तो कीमे को इस तरह से बारीक हमें पीस लेना है। तो इस तरह से हमें बारीक कीमा पीस कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ली हूँ, आप चाहे तो चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। तो उसी मिक्सर जार में हम अदरक पीसेंगे, अदरक लहसुन लेंगे, हरी मिर्ची जो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जीरा लेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर ले लेंगे। बिना पानी के ही हमें इसे पीस कर रेडी करना है। तो ये फूटा ना डाले इसे भी हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। तो सारे जो मसाले हमने जो पीस कर रेडी किए उसे एक एक करके डाल देंगे। जितने भी हमने पीस कर रेडी किए हैं इंग्रीडियंट्स, उसे हमें डाल लेना है। तो ये जो है लाल मिर्ची है, अक्खा देने हैं, जीरा है, काली मिर्च को इस तरह से हल्का सा तवे पे भूनकर दरदरा सा पाउडर बनाकर रख लेना है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो मैंने कबाब की रेसिपी बनाई थी उसमें इसी पाउडर को मैंने डाला था। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। और इसमें हम तेल भी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से। बिल्कुल भी मतलब कहीं ज़्यादा मसाला रह जाएगा कहीं कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद कुछ इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से, मतलब अगर आपको डालना है लाल मिर्ची पाउडर तो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और तो धनिया पाउडर लेना है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। सारे मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसकी बाइंडिंग करके देखेंगे कि ये बाइंडिंग हो रही है या नहीं। अगर नहीं होती है तो इसमें कॉर्नफ्लोर और चने का पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। चने के पाउडर के अलावा हम इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने प्याज लिया है, प्याज को अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा तेल डालकर भून लेना है। और इसमें ही हम अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें गीला नारियल डालेंगे, जो कि टुकड़े में मैंने काट लिया है, और फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए एक साथ नहीं भूनना है हमें, क्योंकि सबकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। तो एक साथ डालेंगे तो कुछ हो सकता है कुछ हमारे मसाले जल जाए। तो इसमें अपने हम टमाटर डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डालना है, धनिया पाउडर डालना है और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी डालेंगे और गर्म मसाला पाउडर। हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद अच्छे से फिर से इसे भून लेंगे। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है बिल्कुल भी जले नहीं। थोड़े से हरी धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर ली हूँ। अब चाहे तो हरी धनिया के अलावा इसमें धनिया की जो डंडी आती है ना, उसे भी हम ले सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें कम से कम 1 गिलास पानी ऐड किया है और फ्लेम को हमें इस वक्त मीडियम टू स्लो ही रखना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि सारे जो मसाले थोड़े से अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें काजू डालेंगे। तो काजू हम पहले भी ऐड कर सकते थे लेकिन रह गया था तो मैंने बाद में ऐड कर ली हूँ। काजू ऐड करने के बाद फिर से इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसका बारीक पेस्ट बना कर लेंगे। तो उसी पैन को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें पानी भी ऐड कर दी हूँ। तो मसाला रेडी है। तो चलते हैं अब हम कोफ्ते की तरफ। तो देख सकते हैं कोफ्ते में से इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब जब हमने इसे रखा था, मिलाया था, उस वक्त इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इसके हम लड्डू बना लेंगे, यानी कि जैसे बेसन के लड्डू होते हैं उसी साइज़ का या उससे छोटा भी आप बना सकते हैं। तो 250 ग्राम कीमे में मुझे यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर 19 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं कोफ्ते के। तो इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डालकर हमें इसे बस शैलो फ्राई कर लेना है। तो उलट पलट कर हमने इसे शैलो फ्राई कर लिया है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं सारे जो कोफ्ते हैं इसे निकालूंगी। तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें तेल ऐड कर ली हूँ। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी है, हरी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है, शाहजीरा है, 2 तेज़पत्ते हैं। इसके अलावा आप चक्री फूल जो भी आपके पास है उसे भी हम ले सकते हैं।
तो इसे हम गरम तेल में ऐड कर देंगे और जो मसाला हमने पीस कर रखा था उस मसाले को ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, अब इसे अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। तो देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से उड़ने लगे, यानी कि तेल ऊपर आ गया है, पानी पूरा सूख गया, इसके लिए मसाले उड़ने लगते हैं। तो इसको शांत करने के लिए हमें पानी ऐड करना है। तो पानी हम उतना ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया और थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाए हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद में हरी धनिया से गार्निश करेंगे। तो ये देख सकते हैं कोफ्ता करी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबूदार बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। चले मिलते हैं एक ऐसी दिलचस्प और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में जरूर याद रखें।